For more updates, don't forget to like, subscribe and share my channel and press the bell icon. Hello friends, welcome back to my channel. तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि जब समर आता है और बेबी नहीं खाता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, जो कि मैंने अपने बेबी पे अप्लाई किया, वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, तो जब समर आया तो मुझे भी ये बहुत सरप्राइजिंग लगा कि जो मेरा बेबी बहुत लाइक करता था फूड को, वो उसने बिल्कुल बंद कर दिया लेना. तब थोड़ा जो इतना लेता था, मैं इतना भी देती थी तो कभी कभी वो मुंह से भी निकाल देता था, नहीं खाता था वो, बिल्कुल भी खाना नहीं चाहता था. तो मैंने क्या किया, इसमें कुछ चेंजेस लाए, कुछ इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढी ताकि मैं उसको हेल्दी फूड भी दे सकूँ और उसे अच्छा भी वो फूड लगे. तो मैंने क्या किया कि मैं लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्रूट्स उसके मील्स में ऐड करती रही. जैसे कि जो मैं बिल्कुल समर के पहले उसको ब्रेकफास्ट देती थी, उससे अलग मैं एक बाउल में उसको बिस फ्रूट्स देने लगी. क्योंकि समर एक ऐसा सीज़न है जिसमें लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि मस्क मेलन हो गया, वाटर मेलन हो गया, मैंगो हो गया, लीची हो गया, एप्रिकॉट हो गया, प्लम हो गया, पपाया हो गया. तो ये सब आप ऐड कर सकते हैं कि बिल्कुल जो प्रॉपर देखिए, आप इसको एज ए बाउल में आप फ्रूट सैलड जैसा बना के दे सकते हैं. उसके साथ साथ मैं कोकोनट वाटर ऐड कर देती हूँ. कभी बस एक ग्लास मैं कोकोनट वाटर दे सकती हूँ, तो वो आप दे सकते हैं अपने किड को. जो थोड़ा बड़ा बच्चा है, आप उसमें जो थोड़ा छोटा है उसको आप सिपर में डाल के पिला सकते हैं. जो बेबी जो है 6 मंथ एवव है, वाटर बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, उस पर आप थोड़ा फ्लेवर ऐड कर सकते हैं कि थोड़ा एप्पल जूस मिला दिया, थोड़ा लेमन क्विस क्विस करके डाल दिया. तो ये कर सकते हैं क्योंकि इसमें समर में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बॉडी को जितना हाइड्रेटेड रख सकें, ताकि बेबी का जो वाटर जो लूज कर रहा है थ्रू स्वेटिंग वो नहीं हो और डिहाइड्रेशन के चांसेस नहीं बन जाए. हमारा फोकस यही होना चाहिए कि बेबी के बॉडी को बिल्कुल हाइड्रेटेड रखना है. तो जितना वाटरी थिंग है आप उसको देते रहिए, लिक्विड जितना हो. जैसे कि आप वेजिटेबल में तुरई हो गई, लौकी हो गया, इसको थोड़ा ज़्यादा पानी में आप अच्छे से बना के उसको वाटरी जैसा एक बाउल वही बना के दे दिया. ये डजंट मैटर, ये भूल जाइए कि बेबी है जो है बिल्कुल प्रॉपर रोटी नहीं ले रहा है, प्रॉपर पराठे नहीं ले रहा है, पूरी नहीं ले रहा है. थोड़ी देर के लिए आप सोचिए कि अच्छा वेजिटेबल ले रहा है, वो भी एज ए हेल्दी फूड है, तो वो आप दे सकते हैं. उसके साथ साथ आप कर्ड में इतना वैरायटी आप बना सकते हैं, जैसे कि रायता बना दिया, उसका छाछ बना दिया, बटर मिल्क बना दिया, लस्सी बना दिया, कोई भी फ्रूट को ले लीजिए, मैंगो ले लीजिए, स्ट्रॉबेरी ले लीजिए, ये सबको आप ऐड करके उसका लस्सी बना के आप दे सकते हैं. उसके साथ साथ स्मूदी बना दीजिए, शेक्स बना दीजिए, ये सब आप कर सकते हैं. लाइक जितना फूड खिलाएंगे बेबी को, उतना मेरा बेबी जो है उसने लाइक करने लगा फूड को. जब मैं पहले जो दे रही थी उससे मैं जब स्विच की तो मैं खिचड़ी बना के उसको देने लगी. खिचड़ी आप बना सकते हैं, कभी कभी प्लेन दलिया, वीट वाली जो दलिया आती है वो आप बिल्कुल उसमें वेजीज थोड़ा ऐड करके थोड़ा आप वो बना के उसमें दही मिला के आप दे सकते हैं. कभी मल्टीग्रेन दलिया बना के और उसमें थोड़ा दही मिला के आप दे सकते हैं. तो ये सारा कुछ आप कर सकते हैं. उसके बाद जब है इस एज में जो है बहुत गर्मी से बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो इस वजह से भी नहीं खाना खाते हैं, तो कुछ न्यू वैरायटी ऑफ फूड आप ट्राई कर सकते हैं. इस सीज़न में आप एटलीस्ट नॉनवेज बेबी को नहीं दीजिए, एटलीस्ट एग मत प्रेफर करिए देना, या फिर चिकन मटन ये सब भी ज़्यादा मत खिलाइए. डॉक्टर से आप पूछ लीजिए, अगर डॉक्टर बोलते हैं तो वीक में आप हार्डली 1 या 2 बार आप दे सकते हैं, तो देना चाहते हैं तो आप दे दीजिए. उसके साथ ड्राई फ्रूट्स पाउडर जो मैं देती थी वो मैं बिल्कुल स्टॉप कर दी, क्योंकि ड्राई फ्रूट पाउडर जो ड्राई फ्रूट्स ऑलरेडी इतना गर्म रहता है और वो उसके बॉडी को भी जाके इतना गर्म कर देगा, तो वो सब आप नहीं दीजिए. आप घर में भी कितने तरह का जूस बना के दे सकते हैं, तो आप ऑरेंज जूस हो गया, प्लम का जूस हो गया, मैंगो जूस हो गया, मैंगो का बिल्कुल स्मूदी जैसा निकाल कर मैंगो जूस आप बना सकते हैं, एप्पल जूस बना के दे सकते हैं. तो ये सब जितना लिक्विड थिंग है आप बिल्कुल जब धीरे धीरे स्विच करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि बेबी जो है लाइक करने लगा उस सारे फूड को, और वो उसकी भूख जो है, जो लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है समर में, वो अब धीरे धीरे खत्म होने लगा और वो लेने लगा. तो समर में आप यही ट्राई कर सकते हैं. ये थोड़ी दिन का बात है, समर कुछ दिन का सीज़न है, उसके बाद चला जाएगा. उसके बाद बेबी जो है नॉर्मल आपका जो फूड ले रहा था वो फिर से लाइक करने लगेगा. ये सबके साथ होता है,
उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि सत्तू जो होता है, सत्तू का घोल बना के मैं कभी कभी बेबी को देती हूँ। ठंडा आप सत्तू का घोल बना के पानी में, जो नॉर्मल वाटर है वो बना के आप दे दीजिए। उसमें कुछ चाट मसाला हो, नमक हो गया, फिर उसमें थोड़ा जीरा पाउडर, थोड़ा कोरिएंडर लीव्स वगैरह को बिल्कुल अच्छे से मैश कर दीजिए ताकि उसके गले में नहीं लगे। जो थोड़ा बड़ा बच्चा है वो आप दे सकते हैं। तो ये सब आप जब देंगे तो बेबी का खुद भी पेट जो है भरा रहेगा, क्योंकि बहुत बार होता है कि अगर बेबी प्रॉपर फूड नहीं ले रहा है तो वो चिड़चिड़ा सा हो जाता है। वो आप ट्राई कर सकते हैं। 6 मंथ बिलो जो बेबी है उसको जितना से जितना ज़्यादा हो आप ब्रेस्ट मिल्क देते रहिए, फॉर्मूला देते रहिए, क्योंकि बॉडी को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब मैंने किया जब मेरा, और ये सब फूड उसने लाइक करना बिल्कुल छोड़ दिया था जो उसे पसंद था। तो फिर मैंने जो स्विच किया तो देखा कि हाँ वो लाइक कर रहा है और वो ले रहा है, तो सोचा कि ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ। तो बस अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, बाय बाय।